फिरोजाबाद से आए एक परिवार के 6 वर्षीय मासूम में कोरोना की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया है। आनंद फानंद में राजकीय चिकित्सालय पहुंचे प्रशासनिक अमले की देखरेख में मां और तीनों बच्चों को इलाज के लिए हल्द्वानी भेज दिया गया है। दरअसल काशीपुर के मोहल्ला लाहौरियान निवासी एक व्यक्ति की पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। फरवरी माह में महिला अपने बच्चों के साथ मई के फिरोजाबाद गई थी। बीती 20 मई को वह वापस ठाकुर द्वारा काशीपुर के बॉर्डर पर आ गई, जिसके बाद महिला का पति अपनी पत्नी और 3 बच्चों को बाइक से अपने घर ले आया। अगले दिन 21 मई को वह उन्हें अस्पताल ले गया, जिसके बाद चिकित्सालय प्रबंधन ने सभी को IIM के कैंपस में बने क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। 22 मई को इन सभी की जांच के लिए सैंपल को भेजा गया। कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि इस दौरान मां समेत 3 बच्चों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें 6 वर्षीय मासूम में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि अन्य 3 निगेटिव आए हैं। माँ समेत 3 बच्चों को हल्द्वानी में सुशीला तिवारी हॉस्पिटल भेजा गया है। यहाँ काशीपुर पहुँचा था 21 को, ये लोग RRT टीम को दिखाने आए थे और 21 को हमने इनको IIM भेजकर भर्ती कर लिया था। ये 3 बच्चे और अपनी मदर के साथ आए थे। एक भाई है 12 साल का और 6 साल का ये लड़का जो पॉजिटिव है, और 4 साल की छोटी बहन है और इनकी मदर है। बाकी के तीनों लोग तो पॉजिटिव आए हैं और ये बच्चा निगेटिव आए हैं और एक बच्चा पॉजिटिव आया है। इन 4 लोगों को अभी हमने इनको हल्द्वानी रिफ़र कर दिया, जहाँ पे 5 दिन बाद इनके फिर से सैंपल किए जाएंगे।